जी अऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। एमएनएस ज़रई यूनिवर्सिटी के डायरेक्टरेट ऑफ पीआरपी के तवसत से डॉक्टर अहमद महमूद, असिस्टेंट प्रोफेसर क्लाइमेट चेंज, एमएनएस यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान। सो आज हम बात करेंगे जो मानसून का स्पेल इस टाइम पाकिस्तान के ऊपर मौजूद है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि कुछ इलाके जो हैं उनमें सैलाब भी आ चुका है और अर्बन फ्लडिंग का भी हमारे पास खदशा है। कल जिस तरह हमने देखा कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई और मुल्तान के कुछ जो रेन गेजेस हैं उन्होंने शो किया कि 177 मिलीमीटर जो है वो रेनफॉल हुई। जो हमारी ज़रई यूनिवर्सिटी के आसपास जो रेन गेज लगे हुए हैं वहाँ पर तकरीबन 100 मिलीमीटर रेनफॉल जो है वो रिकॉर्ड की गई। ये एक ऐसे मौसम में या एक ऐसे टाइम पर जब भादों जो है वो तकरीबन आधा हो चुका है, उस टाइम पर इतनी शिद्दत से मानसून का आना जो है वो इतना कॉमन नहीं है। और जैसे कि हम क्लाइमेट चेंज की वजह से देखते हैं कि हमारे जो मौसम है वो चेंज होते जा रहे हैं, तो इसलिए हमें उसकी तरफ कोशिशें करनी पड़ेंगी कि उसको हम क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस कर सकें। जो अभी का ये मानसून स्पेल है ये बेसिकली हम वार्मर ओशन टेम्परेचर्स की वजह से भी है, और दूसरा उसके अलावा जो लो प्रेशर सिस्टम इस टाइम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर मौजूद है वो उसकी बड़ी मेजर रीज़न है, जिसकी वजह से हम इस हफ्ते में भी और शायद आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर भी मानसून की बारिशों का सामना करेंगे। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है कि जिसकी वजह से हमारे मौसम जो है वो चेंज हो रहे हैं, तो इसलिए हमें क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने की कोशिशें करनी पड़ेंगी। ये इंफरादी तौर पे भी हम कर सकते हैं, ग्रुप की सूरत में भी कर सकते हैं। अगर हम इंफरादियत की बात करें तो हमें अपने लाइफ स्टैंडर्ड को, लाइफ जो ऑप्शंस हैं उनको चेंज करना पड़ेगा, ईटिंग हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। जो हाई कार्बन फुटप्रिंट खुराक है जिस तरह बीफ है और गोश्त है उनको कम करके हमें सब्जियाँ या जो लो वाटर फुटप्रिंट वो लो कार्बन फुटप्रिंट और लो एनर्जी फुटप्रिंट की क्रॉप्स हैं उनको चूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा हम फास्ट फैशन जिस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े खरीदते हैं तो उनका डेफिनेटली कार्बन फुटप्रिंट है, एनर्जी फुटप्रिंट है, वाटर फुटप्रिंट है, तो उनको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। इसके अलावा हमें फॉसिल फ्यूल से जल्द अज जल्द दूरी तैयार करना होगी, अदरवाइज पाकिस्तान जैसे ममालिक जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डिजास्टर्स को नेचुरली सपोर्ट नहीं करता तो वहाँ पे हम ऐसे नुकसान जो है वो देखते रहेंगे। इसके अलावा हमारे लाइक एक सोसाइटल जिम्मेदारी है कि हम दरख्तों की तरफ जाएँ, अर्बन प्लांटेशन को इनक्रीज करें ताकि हम अर्बन फ्लडिंग और जो तेज़ी से तब्दील होती हुई हमारी क्लाइमेट है उसको रोक सकें। जी बहुत शुक्रिया।